हेलो माय डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लीयरेंस। क्लीयरेंस कहने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लीयरेंस, तो क्लीयरेंस अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्लीयरेंस कहने का मतलब होता है कि जो आपका ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड लेवल, ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड लेवल से जो आपका डिस्टेंस होता है, यानी ट्रांसमिशन लाइन और ग्राउंड लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्लीयरेंस कहलाता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज लेवल्स होते हैं, अलग अलग वोल्टेज लेवल्स होते हैं और उन अलग अलग वोल्टेज लेवल्स के लिए आपका अलग अलग क्लीयरेंस लिया जाता है। जैसे जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल बढ़ता जाता है तो आपका उस केस में आपका क्लीयरेंस का वैल्यू भी जो होता है आपका बढ़ता जाता है। मैंने यहाँ पे जो क्लीयरेंस लिया है एज पर आई रूल 1956 के अकॉर्डिंग लिया है। एज पर 1956 रोल्स फॉर 33 केविलांस, फॉर 33 केविलांस के लिए जो आपका क्लीयरेंस, मैंने यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल दिखाया, सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने आपका ग्राउंड लेवल दिखाया और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल्स को मैंने क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे 33 केविलांस दिखाया, तो 33 केविलांस के लिए जो आपका क्लीयरेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन्स एंड ग्राउंड लेवल्स आपका 5.2 मीटर होता है। फॉर 66 केविलांस के लिए जो आपका क्लीयरेंस होता है 5.5 मीटर, 132 केवी लाइंस के लिए आपका 6.4 मीटर, 220 केवी लाइंस के लिए आपका 7 मीटर, 400 केवी लाइंस के लिए आपका 8.84 मीटर एंड फॉर 750 केवी लाइंस के लिए आपका 12.4 मीटर। ये जो आपका क्लीयरेंस मैंने दिखाया है एज पर 1956 रूल्स के, और आपको हर एक एग्जामिनेशन में आपका एक एक क्वेश्चन आपका क्लीयरेंस से रिलेटेड रहता है। उसमें आपको पूछा जाता है कि आपका एज पर आई रूल 1956 फॉर 132 केवी लाइंस द क्लीयरेंस इज इक्वल टू, तो फॉर 132 केवी लाइंस द क्लीयरेंस इज 6.4 मीटर एज पर आई रूल 1956। एंड सपोज आपसे पूछा जाए कि 400 केवी लाइंस के लिए क्लीयरेंस कितना होता है, तो 400 केवी लाइंस के लिए आपका 8.84 मीटर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्लीयरेंस रिलेटेड जो होता है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।